हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है बोया M1 माइक, जो कि किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई भी ट्यूटोरियल आप बना रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या ऑनलाइन क्लास के लिए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए एक माइक की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है, जिसका प्राइस कम हो और उसकी जो साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो जाए, साथ ही उसमें कोई भी बैटरी ना लगानी पड़े। आज मैं आपको बता रहा हूं बोया M1 माइक की खासियत के बारे में और इसका जो प्राइस है, इसकी जो क्वालिटी है, वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई भी मटेरियल हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमें एक माइक की आवश्यकता होती है। काफी बार आपने सुना होगा कि आप अपने जो ईयर पीस है उसको भी माइक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं होती, वो आवाज नहीं होती। इसके लिए आपको एक माइक, जो स्पेशल एक माइक बना हुआ है, वो लेना पड़ता है। लेकिन माइक में काफी ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी आते हैं, काफी ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट भी आते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी और बुरी दोनों होती है। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा माइक बिकता है और जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, साथ ही ये आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है, यानी इसका प्राइस भी बहुत कम है और इसमें कोई भी बैटरी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक कंडीशन में, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये है दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला माइक, जो कि बोया M1 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसी नाम से ये जाना जाता है, इसी नाम से कंपनी है और ये ओरिजिनल होता है, इस पे स्टिकर भी लगा हुआ आता है। साथ ही आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो ओरिजिनल है या नहीं। अब बात करते हैं कि यहां पर इस माइक की खासियत क्या है। सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो है इसका वायर। इसकी वायर आप देख रहे हैं काफी बड़ी है, ये कम से कम 5 से 6 मीटर लंबी है। इसके साथ आपको एक अच्छा सा माइक देखने को मिल जाता है, जिसकी क्लिप काफी ज्यादा अच्छी है। इसको मैं 2 सालों, करीब 2.5 सालों से यूज कर रहा हूं। इसमें एक ये कंडेंसर होता है, जहां पर आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने लैपटॉप में लगा के या मोबाइल में लगा के कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको बैटरी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप DSLR कैमरे में इस माइक को लगाते हैं, तो आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, जो कि जो घड़ी में छोटी हाथ वाली घड़ी में जो बैटरी आती थी, वही बैटरी लगती है। यहां से ये खुल जाता है और इसमें बैटरी लगा सकते हैं। इसके 2 मोड यहां पर दिए हुए हैं, ये देखिए, यहां पर आपको मोड दिखाई दे रहा होगा। यहां पर इसमें 2 मोड दिए हुए होते हैं, जो कि एक कैमरा के लिए होता है और एक स्मार्टफोन के लिए होता है। तो जो स्मार्टफोन के लिए है, वही आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। अगर आप DSLR कैमरे में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये मोड यूज करना पड़ेगा और बैटरी लगानी होगी। इसके अलावा बैटरी की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप दूसरी डिवाइस में इसको लगा रहे हैं। यहां पर ये 3.5 mm का इसका जैक होता है, जो कि हर एक डिवाइस, पुरानी से पुरानी और नई से नई में लग जाता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप सस्ता वाला माइक अगर खरीदेंगे, तो उसका जो 3.5 mm का जैक होता है, वो किसी स्मार्टफोन में सपोर्ट करता है, किसी में नहीं करता, तो ये इशू इस वाले माइक में नहीं आता है। ये माइक काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही यहां पर आपको जो ये चीजें मिल रही हैं, इसके अलावा भी इसमें काफी सारी चीजें मिलती हैं जो एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए होती है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, कि मुझे क्या क्या चीजें मिली हैं, लेकिन मैंने अभी इस्तेमाल नहीं कर रही। यहां पर आपको एक ये वाला कनेक्टर मिल जाता है। अगर किसी डिवाइस में ये चीज नहीं लगती, तो आप इसको ऐसे इसमें लगाकर और इसको किसी भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये चीज इसके साथ आती है, साथ ही वारंटी कार्ड आता है और यहां पर आपको कुछ यूजर मैनुअल भी। दोस्तों यहां पर जो बॉक्स पर है वो बॉक्स पर काफी ज्यादा रेट लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस इंडिया में है वो 700 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। जब फेस्टिवल सीजन आता है तो आपको थोड़ा सा कम में मिल जाएगा, और जब ऑफ सीजन होता है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यानी कि 700 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में इसका प्राइस अलग अलग वेबसाइट पे चलता है। आपको देखना होगा कहां से आप इसको सस्ते में ले सकते हैं। आप इसका जो ओरिजिनल है, नकली है, असली है, वो भी चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल पे आपका एक स्टिकर आता है, होलोग्राम आता है, साथ ही आपको स्क्रैच करना होता है, एक कोड दिया होता है जो कि आप बोया की साइट पर जाएंगे, उस कोड को डालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं, आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो वायर है वो काफी ज्यादा लंबी होती है, इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए, वरना ये उलझ जाएगा और आपको सुलझाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसको मैं हमेशा इस तरह से फोल्ड करके कुछ वायर रखता हूं, कुछ यूज के लिए रखता हूं और बार बार सुलझाता रहता हूं, वरना ये बहुत लंबी वायर है और बहुत ही उलझ जाता है। प्राइस में इससे अच्छा माइक अभी तक मैंने नहीं देखा जो कि इतनी लंबी वायर देता हो, बिना बैटरी के हो, और इसकी आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर कट होती है। यानी थोड़ा बहुत साउंड आजू बाजू आ रहा है, वो साउंड आपकी इस वीडियो में नहीं दिखाई देगा। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना बोया M1 माइक के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपने मेरी और वीडियो देखी होंगी वो सभी मैं इसी माइक की सहायता से करता हूँ। यहाँ पर ये बैटरी इसमें लगती है, छोटी वाली बैटरी इसके साथ ही आती है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बैटरी लगाएंगे यानी कैमरे का इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऊपर कर देंगे, और जब स्मार्टफोन में लगा के इसको यूज करेंगे तो इसको ऑफ मोड पे रखेंगे जहां पर बैटरी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है।